picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. अबे साले कहाँ चला गया उधर? तो अभी हम जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए। इस बाइक की सर्विस होनी है आज, वैसे तो कल थी पर बारिश के चक्कर में हुई नहीं कल सर्विस, तो आज होनी है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से तो एक ब्लॉग बनाया नहीं हमने और ऊपर से टाइम भी नहीं मिला। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो 2 हफ्ते पहले डाली हुई थी, और कल ना यहाँ पर दबा के बारिश हुई, इस चक्कर में पानी भरा हुआ है। कल जब मैं शाम को निकला था कपड़े लेने के लिए तो हद से ज़्यादा बारिश का पानी यहाँ पर रुका हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था। आज तो खैर कम हो गया। आज सबसे पहले बाइक की सर्विस और उसके बाद फिर देखते हैं कहीं जाने का सोचेंगे, काफ़ी दिन से गए नहीं। इसका एक ना शीशा भी चेंज करवाना है, ये वाला ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है, दिखता भी नहीं है इससे सही से पीछे। यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट। अरे ये क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या यहाँ पे? ये बजाज का सर्विस सेंटर है, पर बजाज वाले केटीएम की भी सर्विस करते हैं, तो यहाँ पे केटीएम के लिए अलग से बंदे हैं, वो केटीएम की करते हैं और बजाज वाले बजाज की करते हैं। अरे जी ये रहा केटीएम का सर्विस सेंटर। अरे वो चिट तो लगा दे। होए होए ऊपर चढ़ानी है। अभी टाइम हो गया 5:30 और हम बाइक लेने जा रहे हैं, सर्विस होने वाली है बाइक की। वैसे हो चुकी होगी क्योंकि कॉल आया था उनका कि हो आधे घंटे में सर्विस हो जाएगी बाइक की, तो वहीं जा रहे हैं बस हम। तो जो मैंने सोचा था वो ये सोचा था कि बाइक की सर्विस हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे सीधे। अरे देख क्या रहा, आगे देखना आगे देख। तो मुझे लगा जो बाइक की सर्विस है वो हो जाएगी 1 बजे तक, फिर पहुँचे हम लेट थे और आज संडे का दिन और था, तो उसने कहा कि जो वहाँ पर सर्विस करते हैं उन्होंने कहा अभी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी बाइक, 4:30 या 5 बजे मिलेगी, तो आओ ले जाओ। फिर जब तक हमने जाने का कहीं सोचा, 2 बज चुके थे, हमने कहा छोड़ो क्या ही जाना, तो अभी बाइक उठाएंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो सर्विस होगी, अब हम जा रहे हैं लाजपत नगर की तरफ जा रहा हूँ अब मैं। फिर वहाँ से जाएंगे नेहरू प्लेस, तो खैर आते टाइम पड़ेगा, और उसके बाद सीधे घर जाना है। नेहरू प्लेस से एक लैंडलाइन का मोबाइल फ़ोन लेना है। अरे 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 रेस लगा देते। गए अमर कलोनी। अमर कलोनी के मोमोज बहुत फेमस है, तो वही मोमोज खाने हम आए हैं। Got a place at school, you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is pain.
पेट हो गया फुल हमारा, खचा खच गले तक खाना भर दिया। अब यहाँ से जाना नेहरू प्लेस या तो यू टर्निंग, एक तो बारिश ने परेशान कर रखा है यार दबा के। मतलब ठीक है महीने में एक आधा बार हो गई, रोज रोज होना जरूरी है क्या? मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं। अल्लाह भैया चलान कट को बस को ट्रक को। दिल्ली में आजकल ना चलान को लेके ज़्यादा ही कुछ, दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब सीधे बिना बात के चलान काट देती है अगर गलती हो तो। अब सुनती नहीं है, पहले था कि हाँ तुम अपनी राम कथा लगाओगे कुछ बहानेबाजी बनाओगे तो चल जाएगा, अब सुनते ही नहीं है। अब सीधे निकालते हैं जेब के पीछे से मशीन और नहीं ये नहीं होगी, ऐसी हो रही है। बड़ा ही तुच्छ प्राणी का इंसान है। रेस लगा रहे हैं भाई साहब, आगे जाना है। हाँ तेरे पीछे हूँ। अरे उसने सोचा आगे से मुड़ेंगे। अरे रुक जा। अरे साले कहाँ चला गया उधर? अरे ये बिना इंडिकेटर ही ऐसी चलाता है, बिना इंडिकेटर इंडिकेटर के। एक काम कर आगे से यू टर्न लेके आ जा, हम खड़े हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अरे भाई इंडिकेटर तो दे देगा जब बंदे को पता ही नहीं है नौ सिखिया बाइक चला रहा है। बारिश होने लगी थोड़ी थोड़ी तेज, थोड़ी थोड़ी तेज बारिश होने लगी है। तो यू टर्न कहाँ से लेकर आया? यू टर्न कहाँ से लेकर आया? पहले वाले में ले लेता तो दोबारा उसी रोड पे चले आता। मैं देखो पीछे से हॉर्न भी मार रहा था, बहुत देर में मार रहा था, तब तक बाण निकल चुका था। तू था राइट में चल रहा था, मैंने कहा ये पक्का सीधे जाएगा, मैं हॉर्न मार भी। अरे बंद हो गया राइट वाला इंडिकेटर, खराब हो गया अपना आप ही, कभी भी जलता है कभी भी बुझ जाता है। वैसे इसका इंडिकेटर तो काम करता है पर ये ब्लू कलर की जो एलईडी लाइट है ये काम नहीं करती। अब मेरे को लगता है कोई तार वार में प्रॉब्लम है। अबे सारे पेड़ काट दिए यहाँ पे, यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, दबा के सारे काट दिए। वो पेड़ काट के इन लोगों क्या मिला, कौन सी खुशी मिली ये नहीं पता। और ये क्या पार्किंग बन रही है यहाँ पे? ये जो दिल्ली में पेड़ों की कटाई हो रही है बहुत गलत काम है, बहुत ही ज्यादा। एक लैंडलाइन फोन लेना था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब निकलते हैं घर की तरफ। नेहरू प्लेस आने का एक रीज़न था घर, एक लैंडलाइन फ़ोन लेना था घर के लिए, तो वो तो हमने ले लिया। अब सीधा निकलते हैं घर को, साथ भी टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी देर से निकले हुए, 7 बज गए। राहुल निकल जाएगा ओखला से अपने घर को और वहाँ से मैं अपने घर को। सुबह से तो बारिश हुई नहीं, मेरे को लगता है कल सुबह काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है जिस हिसाब से। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है?
अरे दिल भाई का दिल टूट गया। राहुल हो जाएगा लेफ्ट और मैंने लेना है यहाँ से राइट को और घर की तरफ। अरे 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 थोड़ा देख के अंकिल। आज के ब्लॉग में इतना ही था, वैसे ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो इतने दिनों से ब्लॉग आ नहीं रहा था तो मैंने सोचा कुछ कुछ बना लेते हैं। एक तो ब्लॉग इसलिए भी वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा था मैं क्योंकि जो माइक का इशू आ रहा था बार बार, मैं कोई भी वीडियो बना रहा था तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया तो देखते हैं कैसे साउंड आ रही है। अभी ठीक आई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैनेज करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।